जब एक कार्यकर्ता के रूप में एक समाज के लिए जो लड़ता है न्याय दिलाने के लिए, तब तक हमने पूरा उनको सहयोग किया। क्या नहीं किया हम लोग ने, सब कुछ किया है। और अब जब उनकी बोली भाषा बदल गई है, जैसे डीसीएम साहब ने बोला कि जो शरद पवार उद्धव ठाकरे जो बोल रहे हैं वो वही भाषा बोल रहे हैं, इसका मतलब ये साजिश है। अरे साजिश का पर्दाफाश तो होगा, इसमें कोई कानून के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं है। जब तक हम समझते थे एक ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उसके लिए सब कुछ किया। मुख्यमंत्री किधर जाता है, कितने आंदोलन हुए आज तक। इसलिए अपने अपने सीमा में हर एक ने रहना चाहिए। सरकार सबका है और सरकार सबके लिए कर रहा है। हमने जो शब्द दिया था वो पूरा किया है, किसी अन्य समाज को अन्याय नहीं करते हुए। ये तो मराठा समाज में खुशी की लहर है। अभी ये बार 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 ये मांग, एक होने के बाद बीसरा, ए होने के बाद बी, बी होने के बाद सी, सी होने के बाद डी, वो सब देने के बाद फिर तो राजनीति की भाषा बहुत चालू हो गई। ये ऐसे कौन से देवेंद्र जी ने, अगर मराठा समाज को नहीं देना होता तो उनके समय में मराठा आरक्षण कैसे मिलता। मराठा समाज को आरक्षण भी मिला, हाईकोर्ट में उसको वैलिड भी हुआ और सुप्रीम में जब गया तो मुख्यमंत्री कौन थे। 5000 लोगों को नौकरियां देने की बात थी तो यही एकनाथ शिंदे ने कहा था, जो भी होगा उसका जिम्मेदार हम है, हम फेस करेंगे। 5000 लोगों को नौकरी देने का हिम्मत हम लोग ने दिखाया है। तो जो बोलने वाले जो है उन्होंने सिर्फ मराठा समाज का इस्तेमाल किया है। अब जब दिया है तो बोलते टिकेगा नहीं। अरे क्यों टिकेगा नहीं, उसका तो रीजन बताओ। ये मराठा आरक्षण पूरा पूरा ऐसी तरह से दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन, जो त्रुटियां खामियां निकाली थी उसे पूरा किया है। 4 लाख लोगों को काम पे लगाया था इसमें। हर जिले में हर कलेक्टर ऑफिस में विशेष ऑफिस खोला था इसके लिए। और जो दिया है तो उसे पॉजिटिव बात करनी चाहिए। इसका मतलब राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ना, ये सामने चुनाव देखकर राजनीति की रोटियां सेकना, ये लोग बहुत भली भांति जानते हैं। बहुत समझदार महाराष्ट्र की जनता है। ये तुम्हारा उनको सही जगह दिखाएंगे। इसके पीछे जो भी साजिश है वो साजिश तो उसका पर्दाफाश तो होगा ही।